राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यश दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, डेली मैं आपको प्रयोग देती हूँ अपने जीवन को सजाने संवारने के लिए, यानी अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपने लाभ के रास्ते खोलने के लिए, जीवन में तरक्की और उन्नति करने के लिए। और हमें चाहिए कि हमें जीवन में यही चाहिए कि हम समय के साथ में तरक्की करते जाएं, हमारे जीवन में वो सारे सुख आएँ जिसकी कि हम कल्पना करते हैं या जो हम सोच रहे हैं वो सब हमें मिलना शुरू हो जाए। हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे पति को मिले, सभी को मिलना शुरू, घर में भी बरकत आना शुरू, और ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए प्रतिदिन देती हूँ आपको एक मिनट का टोटका, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, ये भी वही कार्य करते हैं। कि जब भी हमारी कुंडली का चंद्रमा पीड़ित होता है तो पूरी कुंडली हमारी सुप्त हो जाती है, ना हमारे पास धन आता है, ना हमें जीवन का कोई सुख मिलता है, ना हमारा लाभ जागृत होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो अलग, सो ये प्रयोग आपको एक मिनट का ज़रूर करना चाहिए। और इसीलिए हर दिन आपको कोई एक ऐसा प्रयोग देती हूँ जो आपके भाग्य को, आपके जीवन में लाभ को, आपके जीवन में बरकत को लाने वाले प्रयोग देती रहती हूँ, और आप इन्हें देख भी रहे हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे नए व्यूवर्स हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस परिवार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं ऐसे ही सरल प्रयोग आपको देती हूँ जिन्हें आप घर में रह कर सकते हैं और पूरे ट्रस्टेड हैं, यानी अजमाए हुए प्रयोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि जो अजमाया हुआ ना हो, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य का निर्माण होता है। अब प्रारब्ध में जो कर्म करके आए हैं उनको काटने के लिए भी तो हमें कर्म ही करना है, जिससे कि अब ये कर्म ऐसे हों जिससे कि हमारा भाग्य हमारे आगे के चलने लगे। तो आज ऐसे ही छोटा सा एक आपको अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ, चावल का। चावल हर घर में खाया जाता है, इस चावल से क्या करें कि आपके घर में अन्न के भंडारे भर जाएं, यानी कि आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे, आपका दिनों दिन आपके बच्चे, आपके पति, आप स्वयं तरक्की करते चले जाएं, जितना आप चाहते हैं उतना आपको लग्जरी लाइफ में आना शुरू हो। इससे पहले दोस्तों शुरू करूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। एक मिनट का प्रयोग है जिसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आप भी अभी अजमाइए, 8 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे, फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी विशेषता है इसमें तो ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है, इनमें पीरियड का भी कोई बंधन नहीं है। 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार, आज का राहु काल है 8:59 से 10:39 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों थोड़ी सी मिश्री और काली मिर्च लेनी है, इनको चबा चबा कर सेवन करिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। आज का जो जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा, इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं नया शब्द दे देती हूँ, एक दिन पहले आप इसको फिर से लिख सकते हैं। ये तभी आपको पॉसिबल है दोस्तों जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ में घंटी का बटन ऑल पे होगा, तो प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों चावल जिसे अक्षत भी कहते हैं और ये सभी देवी देवताओं को प्रिय भोग है, कोई भी देवी देवता हो उनकी पूजा में अक्षत के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जब भी आप अपने घर में कोई भी पूजा करते हैं, चौकियाँ लगवाते हैं, षोडश मात्रकाएँ बनवाते हैं, नवग्रह बनवाते हैं, सभी चावलों से उनका निर्माण किया जाता है। चावल की सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, चावल के ढेरों फायदे भी हैं और ढेरों उपाय भी हैं। चेहरे की जो हम क्रीम बनाते हैं चेहरे पर टाइटनिंग लाने का, ये भी हम चावल से ही बनाते हैं, खाते भी हम चावल ही हैं। चावल को कब नहीं खाना चाहिए? चावल को एकादशी तिथि पर नहीं, ना तो बनाना चाहिए ना खाना चाहिए। चावल की श्रेणी में पोहा भी आता है, चावल की श्रेणी में लाई भी आती है जो चावल से ही बनती है। तो अगर चाहे आप एकादशी रखते हो नहीं रखते हो, ध्यान रखिए एकादशी तिथि पर आप किसी भी रूप में अपने घर में चावल नहीं बनाइए,
क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें ब्रह्म हत्या जैसा दोष लग जाता है एकादशी तिथि पर चावल खाने से। तो एक दिन तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं, महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, दो दिन छोड़ के बाकी दिन हम बना सकते हैं जी। अब चावल के प्रयोग सुनिए। अगर आप अपने घर में चावल रखते हैं तो ये चावल आपके घर में कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए। कम से कम 5 किलो चावल, जिसमें एक आपको चांदी का सिक्का डाल देना है, और ये आप प्रयोग शुक्रवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं। इसको अपने घर की उत्तर की दिशा में किसी भी कांच की बरनी में, स्टील के बर्तन में भर के रखिए। इसमें से जब भी चावल निकाल रहे हैं तो इसको ख़त्म मत होने दीजिए, उससे पहले इसमें लाकर रख दीजिए। चावल कभी भी ना तो अपने किचन में और ना ही इस डिब्बे में आपको ख़त्म होने देना है। एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। जब आपने कहा मैम हमारे पास चांदी का नहीं है, तो हमारी जो करेंसी है, आप जिस भी देश से देख रहे हो इस वीडियो को, उस देश की जो भी करेंसियाँ हैं, 2-4 सिक्के इसके अंदर डाल दीजिए। आपके घर में धन की बरकत आने लगेगी, माता माँ लक्ष्मी का निवास होने लगेगा। ये चावल आपको अपने घर में, जब भी आप चावल शिवलिंग पर अपने जल चढ़ाते हैं, ये प्रयोग तो हर व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। अगर वो जीवन में 9 ग्रहों से जो पीड़ाएं मिल रही हैं उनको शांत करना चाहता है, वो चाहता है उसका जीवन स्मूथ चले, उसके परिवार का जीवन स्मूथ चले, तो ये प्रयोग हर घर में होना चाहिए। यानी कि एक शिवलिंग स्थापित करके इसको आपने जल, शहद, दूध इत्यादि अर्पित करने के बाद इस शिवलिंग पर 10-12 दाने नियमित चावल के जरूर चढ़ने चाहिए। ये आपके जीवन में अखंड लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। डेली आप इस पर अक्षत अर्पित करते हैं, आपकी कुंडली में वो अखंड लक्ष्मी योग जागृत होने लगता है। लक्ष्मी जी आपके पास आती भी हैं और टिकती भी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी उलूक बाहिनी आती हैं, यानी उल्लू पर बैठकर आती हैं। बहुत ही कम घरों में माता लक्ष्मी गरुड़ पर आती हैं अक्सर कर, या नारायण के संग आती हैं अक्सर कर, तो उल्लू पर ही आती हैं। जिस गति से आती हैं उसी गति से चली भी जाती हैं। ये चावल का प्रयोग दोस्तों, जब भी आपके अपने घर में चावल बनाते हैं, उस चावल में आपको थोड़ा सा देसी घी, बनते समय ही आपको थोड़ा सा देसी घी और एक चुटकी आपको इसमें हल्दी डाल देनी चाहिए। पकने के बाद इसको निकाल के रखते हैं, तो आपको डायरेक्ट इसको खाना नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आपने एक कटोरी में निकाल कर अलग रखना है, और एक कटोरी में आपको दो जगह थोड़ा थोड़ा चावल निकाल देना है। जब आप चावल बनाएं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चावल बनाइए, और जब भी आपके घर में चावल बनेगा तब ये प्रयोग आपको ज़रूर करना है। ये चावल जो आपने कटोरी में, दोनों में आपको थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा इसमें चीनी डाल देनी है। अब एक कटोरी को तो आपने अपने किचन में, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर रखिए। अपने भूले बिसरे सभी पितृजनों को ध्यान कीजिए, और इसमें से 5 ग्रास कर दीजिए गौ माता, देवी देवताओं, पितृ देवताओं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र के लिए 5 टुकड़े कर दीजिए, मतलब उस चावल के 5 भाग कर दीजिए, और इसे ले जाकर पक्षियों को डाल दीजिए। और एक जो कटोरा आपने तैयार किया है घी चीनी का, इसे ले जाकर गाय को खिला दीजिए। जब भी आपके घर में चावल बनता है, 2 बार बनता है 3 बार बनता है, हफ्ते में डेली बनता है, ये प्रयोग आप करते हैं। जब ये चावल घी चीनी वाला पक्षी खाएंगे, आपकी कुंडली का राहु केतु शुभ होंगे और शुक्र आपका प्रबल होगा। और ये जो गाय को खिलाएंगे, इससे भी आपका शुक्र प्रबल होगा। और आपका जीवन में जब शुक्र प्रबल हो जाता है तो नाना तरह के सुख आपके जीवन में आने लगते हैं। घी और हल्दी डालने से ये चावल आपके लिए अमृत बन जाता है, ये भोग ईश्वर को स्वीकार हो जाता है। तो जब भी आपने अपने घर में कोई भी भोजन बना रहे हैं, उसका अपने घर के मंदिर में भोग लगा करें। जब प्रतिदिन हर व्यक्ति खाता है तो ये उसके लिए अमृत के समान हो जाता है, और ये भोजन ही आपके जीवन में आपकी उन्नति का कारक बनता है। तो चावल बनाते समय इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें मिक्स करिए, इस तरह से चावल निकालना शुरू करिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाते, थोड़ा निकालिए, पर निकालिएगा ज़रूर, गाय का भी भाग और पक्षियों का भी। आपने कहा मैम गाय नहीं आती है, तो उस स्थिति में आप जो एक चावल निकाल रहे हैं वो एक ही निकालिए, दूसरा वाला मत निकालिए। लेकिन महीने में एक बार अगर कोई आपके आसपास गौशाला है, थोड़ा ज़्यादा सा चावल बनाइए, उसमें घी चीनी डालिए और अपने हाथों से ले जाइए, उस गौशाला में जाइए, महीने में एक बार भी कर सकते हैं, और वहाँ गाय को खिला कर आइए। आपके अटके बंधे काम चलने लगेंगे, अटके काम आपके बनने लगेंगे, भाग्य साथ देगा, लाभ के रास्ते खुलेंगे, धन आगमन का मार्ग खुलेगा, माता माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी। ये प्रयोग घर में बरकत लाने के लिए, स्थिर रूप से माता लक्ष्मी जी को अपने घर में टिकाने के लिए। आप जो कहते हैं ना कि पैसा तो कमाते हैं मैम, हम करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन बचता नहीं है, तो अब ये करोड़ों आपके पास आएंगे भी और बचने भी लगेंगे। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों, कीजिए। क्योंकि चावल को वैसे भी सिर्फ उबाल कर छोड़ नहीं देना चाहिए, चावल में कुछ ना कुछ चीज़ें बस मिक्स करनी चाहिए। आप इसमें घी डाल सकते हैं, आप इसमें चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, डालिए कुछ ना कुछ डालिए ज़रूर, जिससे कि इसकी एनर्जी बूस्ट हो जाए। और चावल खाने में
आपके लिए अमृत के समान काम करें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। 25 महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 13 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर फन नंबर यानी एक अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षवा सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको अपने पास लिखकर रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। तो क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए? एक नॉमिनल सी फीस है जो आपको पे करनी होती है, तभी आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है और तभी आपको टाइम दिया जाता है बात करने के लिए। तो आप दिए हुए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं। आपको वीडियो में मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको बहुत सारा इससे फ़ायदा मिल रहा है। अक्सर कर मेरे वीडियोस में लोग कमेंट करते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स करके बताते हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपकी धन्यवाद हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, क्योंकि हमें भी हमारी एनर्जी बूस्ट होती है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है वीडियो में ज़रूर लिखते रहिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।